खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं सुप्रिया और आप इस समय देख रहे हैं एबीपी न्यूज का अनकट। सोचिए क्या होता है जब खबर देने वाले ही खबर बन जाते हैं। जी हाँ, इस समय हम मौजूद हैं एबीपी न्यूज के न्यूज रूम में और हमारे साथ इस समय कैमरा पर्सन अरविंद और हमारे रिपोर्टर सिद्धार्थ पुरोहित मौजूद हैं। ये दोनों वही शख्स हैं जिनके साथ बारापुला पे देर रात फायरिंग की घटना हुई थी। आज की इस पूरी बातचीत में हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उस रात हुआ क्या था, इनके जहन में पहला ख्याल क्या आया था जब इनके ऊपर फायरिंग हुई थी। आइए हम ये पूरी बातचीत शुरू करते हैं। तो सिद्धार्थ और अरविंद, ये बताइए कि आखिर उस रात हुआ क्या था। हम लोग रूटीन अपनी नाइट शिफ्ट में थे, जैसे बाकी के सभी रिपोर्टर होते हैं, एक के बाद एक सबकी नाइट लगती है, हमारी भी नाइट लगी। हम लोग नोएडा की तरफ थे और हमें खबर मिली कि करोल बाग में जो टैंक रोड है वहाँ पर एक रेडीमेड व्यापारी का मर्डर हुआ है गोली मार के, और ये प्रसाद नगर थाना क्षेत्र का मामला है। तो हम वहीं जा रहे थे, नोएडा से डीएनडी लिया, डीएनडी से बारापुला पर चढ़े। बारापुला पर चढ़ने के बाद ड्राइवर को पूछा मैंने कि आपने प्रसाद नगर थाना देखा है, तो वो उन्होंने साफ मना कर दिया, बोले नहीं सर मैंने नहीं देखा। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं मैप पे लगा लेता हूँ। मैं मैप पर लगा रहा था और इस दरमियान हम पहुँच चुके थे जो हम चलते प्रगति मैदान के लिए कट आता है, एक तरफ वो कट होता है लेफ्ट हैंड में, राइट साइड में देखेंगे तो सूचना भवन की बिल्डिंग आपको नज़र आती है। उसके बाद मैं मैप पर लगा रहा था, मुझे अपने राइट साइड में कोई देखा, क्योंकि ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर मैं बैठा था और ड्राइवर के ठीक लेफ्ट हैंड साइड वाली प्लेन सीट पर कैमरामैन बैठे हुए थे। इसके बाद क्या होता है कि मुझे दिखा कि कोई मेरे पास में है, तो मेरी नज़र गई और मैंने देखा कि वो राइट हैंड से ड्राइव कर रहा है अपनी गाड़ी, एक्सीलेटर कंट्रोल किए हुए अच्छे से, एक हाथ से उस स्पीड में भागा रहा है जिस स्पीड में। और इस दरमियान क्या हो रहा था कि मैं मैप लोड कर रहा था तो ड्राइवर कार धीमी चला रहा था ताकि कोई कट मिस ना हो जाए जिससे मैं जाना है, मैप अपलोड हो रहा था। तो गाड़ी की स्पीड उस दरमियान 50 के आसपास रही होगी, मतलब इससे ज़्यादा नहीं, तो बहुत धीमी स्पीड में बारापुला के हिसाब से। मैंने देखा उनको और मैंने सीधा निकला मेरे मुँह से, अरे 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 सर सर देखिए देखिए देखिए। ड्राइवर को लगता है कि गाड़ी रोकने का इशारा है या कोई हमसे एड्रेस पूछने वाला है, तो उन्होंने गाड़ी धीमी करना शुरू की और मेरे मुँह से निकला अरे 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 अरे। और ड्राइवर का मेरे ड्राइवर का ध्यान उस वक्त तक चंद्र सिंह का ध्यान उसकी पिस्टल की तरफ नहीं गया था, और मेरी नज़र सबसे पहले पिस्टल की तरफ गई थी, फिर उसके हुलिये की तरफ। उसके बाद क्या होता है कि ये चिल्लाते हैं अरे अरे क्या धीमी क्यों कर रहे हो, भगाओ भगाओ भगाओ। और मैं भी फिर उसके बाद मैंने भी शुरू किया भगाओ भगाओ भगाओ, और उन्होंने देखा कि ये कोशिश हो रही है कि ये भागने वाले हैं, तो उसने पहला फायर किया और मैं राइट साइड में बैठा हुआ था, तो मैं अपनी गाड़ी पे एकदम लीन कर गया, लेफ्ट साइड में जो जगह थी एक दो बैग रखे थे मैं उस पर पूरा लेफ्ट साइड में लीन कर गया। एक पहली गोली मैंने अपनी आँखों से चलते हुए देखी और उस टाइम वो मुझसे आगे थे, ड्राइवर के बगल में थे, इसलिए ड्राइवर के साइड में गोली लगी। और अच्छा अच्छा सिद्धार्थ जी, ये बताइए जब पहली गोली चली थी, जब पूरी रात हो रही थी, कोई आसपास नहीं था, ना पीसीआर की वैन थी ना कुछ था, उस समय जब पहली गोली चली तो उस समय आपके जहन में पहला ख्याल क्या है, आपके मतलब क्या डर हुआ, क्या महसूस हुआ कि ये क्या हो गया अचानक से, ये कैसा मतलब क्या लगा आपको कि क्या हो गया मेरे साथ? पहला तो ये था कि उन्होंने पिस्टल दिखाई, तो ये था कि ये लुटेरे हैं और ये डराएंगे, शायद चलाएंगे नहीं, ऐसा मुझे लग रहा था कि शायद ना चलाएं। मतलब ऐसा नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं बिल्कुल रिलैक्स था, मैं अपने मोबाइल में गेम खेल रहा था, तो गेम में बिजी था मैं, मतलब पूरा ध्यान वहाँ था, तो पीछे से सिद्धार्थ की आवाज़ आती है अरे अरे अरे, तो मैंने तुरंत राइट साइड में देखा एक नॉर्मल, तो मुझे राइट साइड में जो ड्राइवर का मिरर होता है रियर व्यू मिरर, उसके पास एक हाथ है, उसमें एक पिस्टल ऐसे अप एंड डाउन होते हुए दिखी, तो पहला जो थॉट पिस्टल देखते आए कि आज हमारे साथ लूट होगी, ये क्लियर हो गया था कि आज हम लूटेंगे। और आपका जो पहला अनुमान था वो ये था कि शायद हमारे साथ लूट होगी, आपने फायरिंग की कल्पना नहीं की थी? नहीं, पहला ये लगा कि आज लूट होगी क्योंकि गन दिख गई थी, और ऐसा कभी होता नहीं, हुआ नहीं। और उसके जस्ट मतलब एक सेकंड बाद ही तुरंत मैंने ड्राइवर कहा भगाओ भगाओ, मतलब गालियाँ भी निकली मुँह से, भगा डाले भगाता क्यों नहीं है, तो वो मेरी तरफ देख रहा क्योंकि ड्राइवर ने गन नहीं देखी थी उसके हाथ में, उसको लगा ये कोई एड्रेस पूछने के लिए भटके हुए लोग होंगे,
तो जैसे मैंने कहा ड्राइवर को धक्का मार के भगा, तो ड्राइवर ने मेरी तरफ ऐसे देखा, फिर मैंने कहा मैंने भगा ऐसे आज फंस गए हम लोग। तब तक जैसे उसने गियर डाला तीसरा, गाड़ी उठी है, इतनी देर में फायर हुआ है। और फायर होते ही पहला शीशा टूटा, शीशा टूटने ड्राइवर को सारी चीज़ क्लियर हो गई कि क्या था, क्यों मैं कह रहा था भगाने के लिए। और उसके मतलब एक सेकंड के अंदर ही दूसरा फायर जो गेट में लगा, और फिर गाड़ी ने स्पीड पकड़ी है तो पीछे से भी दो तीन फायर हुए। ये जो सिचुएशन थी ये तो काफ़ी मतलब मुश्किल भरा था, सामने जाहिर है आप लोग डरे भी हुए थे और कई तरह की चीज़ें भी चल रही थी, लेकिन एक जो चीज़ थी कि जब आप इस सिचुएशन से बाहर निकले तो आप दोनों ने सबसे पहला काम क्या किया, किसे फ़ोन किया, मन में क्या क्या चीज़ें चल रही थी, कई सारी चीज़ें होती है ना उस वक्त में। जैसे ही हमारी गाड़ी मतलब सेफ जोन में आ गई, हमने जब पीछे पलट के देखा, गाड़ी की स्पीड जब 120-130 थी, तो मतलब 30 सेकंड चलने के बाद हमने पीछे पलट के देखा तो बाइक नहीं देखी, तो हम लोग थोड़ा रिलैक्स हुए। ड्राइवर ने पूछा क्या करें, मैंने कहा गाड़ी वहाँ रोको जहाँ पहले PCR मिले आपको या कोई भी पुलिस वाला मिले। तो सीधा हमने बारापुला पे चढ़ा दी, जो INA होता हुआ आपका एम्स होते हुए निकल जाता है, वहाँ पुलिस ने देखी, यू टर्न लिया कि ये चौक की तरफ भागो, तो पहले INA गेट नंबर 3 पे पुलिस बैरिगेटिंग देखी, वहाँ हमने गाड़ी रोकी सबसे पहले। उसे धार्थ ने वहाँ पे पुलिस वालों को सबसे पहले बताया कि हमारे ऊपर फायरिंग हुई है, तो पुलिस वालों ने कहा कि आपने 100 नंबर कॉल किया। सिद्धार्थ ने कहा मैं वही कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, ये तो मैंने सुना उसके। तो सिद्धार्थ एक सवाल ये कि अमूमन कई लोग शिकायत करते हैं कि जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो पुलिस कहीं ना कहीं पहुँचने में देर कर देती है, या तो इस प्रकरण में क्या हुआ था, क्योंकि आप पत्रकार भी थे वहाँ पर मौजूद थे, आप खुद इस बार घटना के करीब थे, आप शिकार होते होते बच्चे, तो ऐसे में क्या था पुलिस का? ये प्रकरण अगर आप देखेंगे तो थोड़ी देर पहले से शुरू होता है, जब पहला फायर हुआ तब, उसके बाद मैं लीन किया, उसके बाद दूसरा फायर हुआ तो मैं ब्रेस की पोजीशन में दोनों सीट के बीच में चला गया, और बहुत गंदे तरीके से मैं चिल्ला चिल्ला कर बोला भगाओ भगाओ, मेरे मुँह से यही निकल रहा था। 1:33 था और हमने कॉल किया डायल 100 पर, चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हूँ सर मैं ABP का रिपोर्टर हूँ, बारापुला पर हूँ, हमारे ऊपर फायरिंग हो रही है। पीछे आधा किलोमीटर जब हम निकल गए वहाँ से भी, और ये कॉल करीब 36 सेकंड में डिसकनेक्ट हो गया अपने का, ना वहाँ से वापस आया ना मैंने लगाने का सोचा, वहीं झुके झुके दूसरा कॉल, मुझे लगा कि यहाँ से मदद नहीं मिल सकती है। दूसरा कॉल मैंने जो साथी रिपोर्टर थे दूसरे निजी चैनलों के, उनको फ़ोन किया, मैंने कहा सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, क्योंकि वो उस थाने पर पहुँच चुके थे, और तो उन्होंने कहा तुम तब तक गाड़ी भगाते रहो जब तक कि पुलिस पिकेट तुम्हें मिल ना जाए, पुलिस कहीं खड़ी PCR वगैरह पुलिस पिकेट ये कुछ मिल ना जाए तब तक गाड़ी रोकना नहीं। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि थे 10 सेकंड, वो जो 10 सेकंड बड़े महत्वपूर्ण थे, अगर उसको आपको लिमिटेड शब्दों में समझाना हो तो आप क्या कहेंगे? वो जो 10 सेकंड आपने जो महसूस किया बचने के बाद, सबसे पहला रिएक्शन बचने के बाद जब गाड़ी पुलिस पिकेट पर रुकी तो हंसे थे, हम लोग हंसे हंसे थे हंसे थे मतलब इतने के पहले पुलिस को बताया के बाद आप लोग हंसे थे जोर से निकले के मतलब ऐसी घटनाओं के बाद बेहद कम होता है कि लोग हंसते हों, लेकिन ये दोनों लोग जो थे ये इस घटना के बाद सबसे पहली जो रिएक्शन दिया था इन्होंने ये हंसने का दिया था। इसको बताया कि सर ऐसा ऐसा हुआ और हंसने लगे कि सर आज बच गए, फिर मैंने ड्राइवर को गले लगाया और उनको बोला कि सर थैंक यू आपने भी हिम्मत नहीं हारी। मतलब जब आपने पुलिस स्टेशन गए आपने पूरी बातचीत की पुलिस से, बात उसके बाद घर पे बात की थी आप लोगों ने? नहीं मैंने तत्काल बात, मेरी वाइफ का फोन खराब था तो पूरा दोपहर मतलब पूरी रात और दिन का पूरा समय हमारा इसी में निकल गया, मतलब थाने वाने। तो मैं घर सुबह जब 10 बजे पहुंचा हूं तो वाइफ मेरी बाथरूम में थी, तो कह रही आ गए तुम, बड़ा लेट कर दिया। मैंने कहा यार जान बची है मरते मरते, ऐसे ऐसे गोलियां चली हमारे ऊपर। तो उसने मजाक में कहा देखा मेरे करवा चौथ मतलब कितने स्ट्रांग है, अब शक मत करना, जो कहूँ वो दिला के लाना मुझे। सिद्धार्थ एक बात और, ये जो सारी घटना चली ये पूरी मतलब लगभग भोर रविवार की सुबह हो रही थी, तो जब ये सारी घटना ख़त्म हुई और आप लोग जब घर पहुँचे तो जो पहली सुबह देखी तो क्या था रिएक्शन, मतलब आपके मन में क्या लगा कि आज तो आपका दिन ऐसा था शायद आप मर, जैसा आपने अभी बताया कि हो सकता है वो मार भी सकते थे, तो ऐसे में जब आप बच गए तो ऐसे में क्या था रिएक्शन आपका? देखिए जैसे ही ये सब हुआ काफ़ी देर बाद पुलिस आई, फिर हम स्पॉट पर गए वापस, वहाँ पर सारी जो फॉरेन इन्वेस्टिगेशन होती है फॉरेन जाँच होती है FSL की टीम आई, उन्होंने वगैरह जो करना था किया। उसके बाद मुझे बोल दिया गया कि अब आप घर जा सकते हैं। 8 बजे मैं घर पहुंचा और घर पहुंचते ही दोबारा से जो हमारे एडविन हैं मिस्टर रावत जी, उनका फ़ोन आया कि आपको वापस लोधी कॉलोनी आना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है मैं आ जाता हूँ। मैंने अपनी कार उठाई और अपने साथी को लिया
क्योंकि मुझे ये डाउट हो रहा था मैं चला पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि थका हुआ था, नींद भी आ रही थी, तो मैंने उसको लिया। मैंने कहा जब मुझे लगेगा कि नींद आएगी तो मैं तुम्हें दे दूंगा कार। हम लोग वापस बारापुला से गए। उसके बाद जहन में मैं ये वो जो मेरा साथी था वो उसको नींद से जगाया था तो वो वापस सो गया। उसके बाद मैं गाड़ी स्टेयरिंग करके झुक कर चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या ये पॉसिबल है? अगर अगली बार ऐसा होता है कि गाड़ी ऐसे चलाई जा सकती है। थोड़ा सा पैनिक था, घबराया भी था, बात जान पर जो बनाई थी, कई सारी चीज़ें जो निकल के आ रही। अगर मैं गोली ड्राइवर को लग जाती तो गाड़ी एक्सीडेंट होके बारापुला से नीचे गिरती, हो सकता हम तीनों ही मारे जाते। मेरा एक सवाल और है आप दोनों से है, वैसे तो ये सवाल कि ये जो घटना हुई है इसके बाद आप लोग अब इस घटना से उभर पाए हैं, उभर निकल मतलब बाहर आ गए इस घटना से? इस घटना से तो तत्काल ही बाहर आ गए थे, क्योंकि जब हमारे ब्यूरो चीफ पंकज सर का फ़ोन आया तो उन्होंने कहा कि बाबू ठीक हो, कोई लगी वगी तो नहीं? मैंने कहा नहीं सर, कोई खरोश नहीं है। फिर बोले सिद्धार्थ तुम घबराए तो नहीं हो? मैंने कहा सर बिल्कुल नहीं। बोले कोई टेंशन? मैंने मना किया। बोले सिद्धार्थ कोई लीव चाहिए, छुट्टी चाहिए तो ले लो? मैंने कहा सर नहीं चाहिए, मैं कंटिन्यू करूंगा नाइट शिफ्ट। और हमने उसके बाद कल रात में फिर हम दोनों साथ में ड्यूटी पर थे। अरविंद जी आप अच्छी बात जो लगी कि मतलब जिससे हमारा मेरा जो मतलब वो कहते हैं कि बढ़ा है कि चैनल ने जितना सपोर्ट किया हमारे, सुबह जैसे ही इन्फॉर्मेशन ऑफिस को मिली है तो कोई ऐसा नहीं है जिसने हमें फ़ोन करके हमारा हालचाल ना पूछा हो। खबर चैनल ने तुरंत चलाई है, पूरा पुलिस पे दबाव बनाया गया है, तो ये चीज़ जब होती है तो अपने आप ही खुशी आती है अंदर से, मोटिवेशन मिलता है कि यहाँ आप अकेले नहीं हो, आप हमला आप पे हुआ है लेकिन आपके साथ पूरा संस्थान खड़ा है। तो जब ऐसा इतना अच्छा संस्थान और इतना मजबूत संस्थान हो तो कोई कैसे डरेगा जिसके साथ? ये एक इस तरह की जॉब है, एकदम आर्मी जैसी, उतनी मुश्किल तो नहीं है। उन पर रोज गोलियां चलती हैं, हम पे तो कभी कभार पहली दफ़े चली है। लेकिन आपको जब अपने प्रोफेशन से प्यार होता है, आप उसकी इज्जत करते हैं, जुनून होता है, तो आप मना नहीं कर सकते, आप बार बार जाएंगे। अगर ज़्यादा डर गया होता तो शायद मैं लीव करता, लेकिन जो मोटिवेशन है इस जॉब को लेकर उसने हमारा हौसला नहीं डगमगाने दिया। हम वापस तो मतलब आने वाले दिनों में और भी आप लोग रात में ऐसी स्टोरी करेंगे? हम ये स्टोरी करने की सोच रहे हैं सिद्धार्थ और मैं, मतलब कहना नहीं चाहिए कि दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था कैसी है महिलाओं के प्रति, दिल्ली पुलिस कितनी सचेत हुई इस हमले को लेके। ये थे हमारे साथ एबीपी न्यूज़ के रिपोर्टर सिद्धार्थ जी और कैमरा पर्सन अरविंद जी। तो आपने देखा कि किस तरीके से उस दरमियान इन लोगों के बीच क्या ख्यालात आए थे, किस जद्दोजहद में थे, किस तरीके की समस्याएं थी, उसके बाद सोशल मीडिया पे किस तरीके से इस घटना को लेकर प्रतिक्रियाएं दी गई। तो इस सब पे आप क्या सोचते हैं, इस पे आपका क्या कहना है, आपको क्या लगता है मीडिया की कार्यशैली पे, आपको क्या लगता है रिपोर्टर्स के जज्बे पे, आपको क्या लगता है हम लोगों की हिम्मत पे? इन सभी सवालों के जवाब के लिए हम अपने कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, शुक्रिया। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।